राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान सरकार से सामने सत्ता में वापसी कर पाने की चुनौती है तो बीजेपी के लिए कांग्रेस को मात देकर सत्ता पर काबिज होना। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अब की बार राजस्थान चुनाव का ये ट्रेंड बदलेगा या ये ट्रेंड जारी रहेगा। आइए जानते हैं सचिन पायलट की कुंडली और किस्मत इस चुनाव में क्या उनको मुख्यमंत्री बना पाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि 2018 में सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी हारे तो सिर्फ किस्मत से। तो इस बार की किस्मत क्या कहती है। राजस्थान से कांग्रेस के युवा चेहरा के रूप में सचिन पायलट को जाना जाता है। इनका जन्म 7 सितंबर 1977 को सुबह 5:28 पर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सिंह लग्न की इनकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी मंगल लाभ के स्थान एकादश भाव में पंचमेश गुरु तथा द्वादशेश चंद्रमा के साथ मिलकर बेहद शुभ योग बना रहा। इस योग के कारण इनको विरासत में राजनीतिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। पायलट की कुंडली के एकादश भाव में गुरु मंगल और चंद्रमा का राजयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से साल 2004 में मात्र 26 वर्ष की आयु में वो लोकसभा सांसद बने। बाद में जल्द ही मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री भी बने। दिसंबर 2018 में शनि में शुक्र की परिवर्तनकारी दशा में सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और विधानसभा चुनाव जिताने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इनकी कुंडली में 12वें घर में बैठे शनि शुक्र की वजह से इन्हें मुख्यमंत्री पद से वंचित रहना पड़ गया। वर्तमान में इनकी शनि में चंद्रमा की कठिन विंशोत्तरी दशा चल रही है, जो इनके चुनाव प्रचार के लिए शुभ नहीं है। शनि हानि स्थान यानी 12वें घर में है तथा अंतरदशानाथ चंद्रमा महादशानाथ शनि से 12वें घर में है तथा नवांश में नीच राशि में है। सचिन पायलट अपने अधिक समर्थकों को विधानसभा के लिए टिकट नहीं दिला पाएंगे, जिससे उनकी स्थिति प्रदेश में कमजोर होती दिख रही है। ऐसे में इनको अब की बार भी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद मिलना मुश्किल दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस सरकार के रिपीट होने की संभावना भी कम है, लेकिन 2023 के बाद कांग्रेस में सचिन का भविष्य सुरक्षित है और मजबूत दिखाई दे रहा है।